पिज्जा खाएगा? प्यार में धोखे खा खा के पेट भर लिया तो क्या लौड़ा खाएगा? मतलब ये क्या बकचोदी मार रहा है यार? जब तुमको पता ही था कि तुम अपने प्यार का इजहार करने जाओगे तो तुमको पक्का लौड़े लगेंगे, तो फिर उसके पास जाना जरूरी था क्या? तुमको पता नहीं कि आजकल लड़के सिर्फ पैसे वालों को भाग देती है? You are right, bro. और एक सेकेंड, धोखा इस भाई साहब को मिला है तो ये अपने सर की पुकार कर रही है बे? मतलब इतना ओवर एक्टिंग करना जरूरी है क्या? मतलब धोखा मिला है इस लौंडे को और दुख तुमको हो रहा है, फिर तो इसका मतलब कि ये खाना खा लेता होगा तो पेट तुम्हारा भी भर जाता होगा। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि आप दोनों में इतना ज्यादा प्यार है। शरीर को देख के यो मत सोचना कि तुमसे हम डर जाएंगे। क्या शरीर को देख के यो मत सोचना कि तुमसे हम डर जाएंगे? अबे इसमें डरने और डराने वाली बात कहाँ से आ गई बे? तेरा तो शरीर ही ऐसा है कि तुझको देखकर कोई तुझसे लड़ेगा ही नहीं। तुझे देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि तूने अपने जीवन में अपने हाथों से बहुत ज्यादा काम करवाया है, तभी तो तेरा हाल ऐसा हो गया है। अब ऐसे लौड़ने की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि अगर कोई तुमको एक रैपट भी लगा दिया ना तो तुम वही के वही अपने पैंट में पेशाब कर दोगे। 2, 3, 4, 5, 6 मैं लास्ट का नंबर ही भूल गया अब तो। आई थिंक मैं रेडी हूँ अब। देख रहे हो, साथ साथ जैकेट पहना है फिर भी मुस्क जैसा लग रहा है, और ये भाई सब लड़ने की बात कर रहे हैं। यार ऐसे आदमियों को देखकर मन में सिर्फ एक ही बात आता है कि इनके घर वाले इनके शादी क्यों नहीं कराते हैं बे? साला अगर शादी हो गया रहता तो खुद पर कुछ कंट्रोल भी कर लेता। देख रहे हो कैसे हिला हिला कर अपना शरीर खराब कर लिया। इसी के भाई सब बोला जाता है कि दहेज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उम्र हो जाने पर शादी कर लेना चाहिए। देख रहे हो ना इसका अंजाम कितना बुरा होता है। तो गाइस मैं अपने बकचोदी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना।